हेलो बच्चों, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 51 से। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं 51 क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों के साथ। तो पर मैं दो डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ स्मॉल एल इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल पेज ऑन अ स्मूथ होरिजेंटल टेबल। फुल स्टॉप। इफ द पार्टिकल्स मूव्स इन अ सर्कल ऑफ स्पीड वी, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर व्हाइल द टी रिप्रेजेंट्स टेंशन इन द स्ट्रिंग। पहली बात, दो चीज है कि वर्टिकल सर्कल और होरिजेंटल सर्कल। तो एक तो होती है वर्टिकल सर्कल बच्चों, वर्टिकल सर्कल में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर फिक्स कर दीजिए और इसमें एक एम मास का बॉल बांध दीजिए और इसकी लंबाई एल दे दीजिए, है ना, और इसको ऐसे घुमा दीजिए, समझे। तो इसमें क्या होगा कि टेंशन जो होगा वो ऊपर सेंटर की तरफ लगेगा और इधर एम जी लगेगी, इस तरह से। यहाँ पर हो गया एम जी, सॉरी टेंशन हो गया और नीचे में एम जी हो गई, स्पीड इसका ऐसे हो गई। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपको टेंशन जो होगा सेंटर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपको एम जी। एम जी जो होगा इसमें नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ पे जब आइएगा तो इसमें क्या होगा, टेंशन नीचे की तरफ होगा, अलग अलग टेंशन होगा, टी वन होगा, टी टू होगा, टी थ्री होगा, और नीचे में ही क्या लगेगा बच्चों, एम जी लगेगा, नीचे ही एम जी लगेगा। और जो कहानी यहाँ है वही कहानी यहाँ है, मतलब कि यहाँ भी टी टू लगेगा। वर्टिकल सर्कल का मतलब हुआ कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, देख रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो हर जगह टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। और इसका जनरल जो इक्वेशन आप निकालते होंगे, यहाँ पर एम जी ले लेते हैं, यहाँ पर ये थीटा है, तो ये भी क्या है बच्चों, थीटा, और एम जी कॉस थीटा। और यहाँ पर मान लीजिए कि स्पीड क्या है, वी है, यहाँ पर टेंशन कितना है, टी है। तो आप ऐसा लिखते हैं, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर, चाहे एल, जो भी आप बात करते हैं एल, मैंने एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम वी स्क्वायर बटे एल, इतना लिखते हैं। अब यहाँ से आप टेंशन का एक फार्मूला निकाल देते हैं, एम जी कॉस थीटा आप प्लस एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे एल। ये जो है ये वर्टिकल सर्कल की कहानी है, है ना। अब हॉरिजेंटल सर्कल में क्या है, हॉरिजेंटल सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहा है ना भाई, ऐसे ऐसे, मैंने यहाँ फिक्स कर दिए, ऐसे खींच दिया, ऐसे झटका दिया, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसमें एम जी हमेशा नीचे लगेगा। नहीं समझे बात को, जैसे यहाँ हो रहा है ना कि एम जी यहाँ लग रहा है, समझ गए बात को, स्पीड जा रही है, वेलोसिटी इधर है, जो भी वेलोसिटी भी चेंज करेगी, मान ली यहाँ पर वी है तो यहाँ पर वी वन दे दिया, तो ऐसा सिचुएशन है। तो वर्टिकल हॉरिजेंटल सर्कल में देखिए, हॉरिजेंटल सर्कल तो क्वेश्चन में कह रहा है हॉरिजेंटल सर्कल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हॉरिजेंटल सर्कल को हम लोग ऐसे बना देते हैं ना, ऐसे, और ये हो गया आपका सेंटर और ये हो गया एम मास का ब्लॉक, इसमें हमेशा एम जी नीचे लगेगा, समझ रहे बात को, और टी इधर लगेगा, है ना भाई। तो इसमें एक फोर्स लगेगा ऐसे, एम ओमेगा स्क्वायर एल कहते हैं इसको, अटेंशन इधर लगेगा, है ना। तो एम, तो यहाँ पर लिखेंगे वी बराबर आप पढ़े होंगे आर इंटू एल, मतलब कि आर इंटू ओमेगा, यहाँ पर वी बराबर क्या पढ़ेंगे, एल इंटू ओमेगा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ओमेगा के जगह पर आप पुट कर देंगे, क्योंकि ओमेगा नहीं दिया है, वी दिया हुआ है, ओमेगा के जगह आप पुट करेंगे क्या, वी बटे एल। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर एम जी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, एम वी स्क्वायर बटे एल। तो सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, ओनली टेंशन लग रहा है ना, टुवर्ड्स द सेंटर। नाउ टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर फोर्स जो है वो क्या ली है, टेंशन।
फोर्स क्या है बच्चों? टेंशन। तो सिर्फ टेंशन लगेगा, है कि नहीं? ओनली टेंशन। सेंटर की तरफ कितना लग रहा है? तो वो है सिर्फ टेंशन। एमजी हमेशा नीचे रहेगा, देखो ना, भर्ट हॉरिजेंटल सर्कल ऐसे घूमेगा ऐसे, तो इस जगह पर टेंशन इधर लाएगा, इस जगह पर टेंशन इधर लाएगा, यहाँ पर टेंशन सेंटर की तरफ लाएगा, और हर जगह एमजी क्या लाएगा? नीचे की तरफ लाएगा। समझा सर्कल? हॉरिजेंटल सर्कल था क्वेश्चन, आपका हॉरिजेंटल सर्कल है। तो ऑप्शन है जो वो डी होगा, जो डी ऑप्शन है ना बच्चों, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा थ्योरी है, तो आप इसको डिटेल से जानेंगे तभी होगा। ऐसे फार्मूला तो हम लिख देंगे लेकिन आपको समझ में बातें नहीं आएंगी, तो हम लोग क्या करते हैं इसको डिटेल देखते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, वो इंक्लाइन प्लेन क्या है? रॉप है, मतलब उसमें फ्रिक्शन का वैल्यू दे रखा है, और इंक्लाइन प्लेन भी है और रॉप भी है। अब उस पर कह रहा है कि कितना हम लोग मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी को चलाएं ताकि हम बाहर के तरफ स्किड ना हो, ठीक है ना, बाहर के तरफ फेंकाएं नहीं, कितना मैक्सिमम स्पीड हो। एक और बात हो सकती है कि कितना मिनिमम स्पीड से चला सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर मिनिमम की नहीं है, यहाँ पर सवाल मैक्सिमम की है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन जो मैंने बताया है वही क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा लैंग्वेज को पढ़ के समझिए क्या कह रहा है। अ कार इज निगोटिएटिंग इन अ कर्व रोड ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मैंने कर्व रोड है उसको रेडियस आर उसका दिया हुआ है। द रोड इज बैंक्ड एट एंगल थीटा, मैंने वो थीटा से गोलंबर जो होता है अक्सर सर्कुलर जो होता है ना थोड़ा सा बैंक्ड होता है। फुल स्टॉप। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड कार एंड द रोड इज म्यू एस। द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज, ऑप्शन बड़े बड़े ऑप्शन दिए हुए हैं, तो करके सेफ स्पीड क्या हो सकता है इसका? तो सबसे पहली बात यह है कि मैक्सिमम पूछा है, तो ये हम क्या करते हैं बैंक कर्व रोड बना दे रहे हैं। देखिए ये वाला बैंक हमने बना दिया और कर्व रोड बना दिया, ये हो गया बच्चों ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। ओके, ये हो गया आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है और इस पर बना देंगे ऐसे वैसे नॉर्मल, ध्यान दीजिए इसको नॉर्मल बना दिया मैंने। ओके, और यहाँ पर क्या दिखा दिया एम जी, ये कॉमन फोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस पे हम क्या करते हैं, सहार देते हैं, क्या एक्सिस बना देते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, एक एक्सिस बना देते हैं ताकि हमको कंपोनेंट ब्रेक करने में आसानी रहेगी। तो इसका नाम एक्स देते हैं, इसका नाम वाई देते हैं। अब ई जो हो गया वो थीटा हो गया, तो इधर क्या मिलेगा आपको एन कॉस थीटा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इधर जो मिल गया वो मिल गया बच्चों एन साइन थीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम कॉमन कॉम्पोनेंट तोड़ा है, आपको इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर आप पढ़े होंगे, उसी को मैंने ब्रेक किया है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है बच्चों कि जब यह मैक्सिमम स्पीड बनाएगा तो इसकी टेंडेंसी बाहर की तरफ होगी फेंकाने की, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? जब बाहर की तरफ टेंडेंसी होगी बच्चों, इसकी फ्रिक्शन फोर्स कहाँ आएगी, अंदर की तरफ आएगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो इधर जो कंपोनेंट टूटेगा, इधर समझिए, इधर जो एक और कंपोनेंट टूटेगा वो क्या टूटेगा बच्चों, एफ कॉस थीटा टूटेगा, इसमें कोई आपको समस्या कोई आपत्ति नहीं है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर भी आ जाएगा, उसका नाम क्या होगा, एफ और साइन थीटा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपको इतने सारे, इसमें टेंडेंसी इधर थी, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग गया, अब इतने सारे कंपोनेंट को आप दिखाइए। तो इधर आपको दिखाना होगा वो है एन कॉस थीटा, नीचे में दिखाना होगा बच्चों एम जी अप प्लस एफ साइन थीटा, इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं है। चलिए इधर जो आपको दिखाना होगा, इधर सेंटर की तरफ, वो है आपको एन साइन थीटा, अब प्लस क्या है बच्चों एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ जो नेट है, एफ नेट वो क्या लिखेंगे, एम और भी मैक्स और इसका स्क्वेयर। एक तो ये इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स एक्सिस में लिख रहे हैं, एक्स एक्सिस में
है ना बच्चों, x एक्सिस में ये सेंटर हो गया, तो सेंटर की तरफ रेडियस अपना r है, तो एम वी स्क्वायर बटे r, ये हो गया। अब एफनेट क्या है आपके पास, n साइन थीटा है, क्या बच्चों, n साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा इज इक्वल टू m और v मैक्स इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे r। एक लाइन और लिखेंगे बच्चों, एक लाइन और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो होगा बच्चों एन साइन थीटा प्लस म्यू एस और एन, फिर क्या होगा बच्चों कॉस थीटा इक्वल टू, और बताओ एम वी मैक्स का स्क्वायर बटे आर, है ना, एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर। इसमें कोई आपको समस्या नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या कर लीजिए बच्चों, एक लाइन और लिख लो, n साइन थीटा कॉमन प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल टू m, और क्या लिखो बच्चों वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बटे r, इसको बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि y में फोर्स तो जीरो होगा, y में फोर्स जीरो कर देते हैं, तो क्या है ऊपर में बच्चों n cos थीटा, एन कॉस थीटा माइनस, और माइनस क्या है बच्चों, माइनस देखो माइनस में है आपको एफ सॉरी एम जी, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इक्वल टू क्या है जीरो, तो एम जी को उधर कर देते हैं, तो एन हो गया कॉस थीटा और माइनस फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन साइन थीटा, और उधर चला जाएगा एम जी, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों एन को बाहर करेंगे तो कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये हो गया सेकेंड, है कि नहीं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम बात करें तो सेकेंड डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे एन, फिर क्या लिखेंगे कॉस थीटा, सेकेंड डिवाइडेड बटे फर्स्ट करने से अच्छा है कि फर्स्ट डिवाइडेड बटे सेकेंड कर दें, क्योंकि हमको भी निकालना है तो यहाँ पर भी मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एन, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल टू, ये डिवाइडेड बटे हो गया, और यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे एम वी मैक्स और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर इंटू एम जी, यहाँ पर होगा क्या, इसका वैल्यू लिखेंगे तो एन होगा यहाँ पर क्या होगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस, फिर क्या होगा साइन थीटा और डिवाइडेड बटे एम इंटू जी, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। अब आप खुद देखिए कि ऑप्शन किसके केस में है, साइन थीटा के केस में है या टेन थीटा के केस में है, तो सभी ऑप्शन जो है वो टेन थीटा के फॉर्मूला में है, मतलब कि टेन थीटा के फॉर्मेट में है, क्लियर है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर अगर यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लेते हैं ना तो टेन थीटा के रूप में आ जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर आप कॉस थीटा कॉमन लेते हैं सिंपली तो यहाँ पर मिलेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बटे कॉस थीटा अ प्लस म्यू एस डिवाइडेड बटे, यहाँ पर भी कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस म्यू एस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा डिवाइडेड बटे कॉस थीटा, इतना हो जाएगा, थोड़ा सा कंजेस्टेड है लेकिन कठिन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी मैक्स इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर और जी आर से। अब ये कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बटे कॉस थीटा अब प्लस म्यूएस, यहाँ पर बचेगा क्या मैं बच्चों वन माइनस म्यूएस और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो आपको ये पता है, इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ओके। तो आपको ये मालूम है कि जो साइन थीटा डिवाइडेड बटे कॉस थीटा जो हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है, साइन थीटा
डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू आप लिखते हैं बच्चों टैन थीटा, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपको टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बटे वन माइनस म्यू एस टैन थीटा इक्वल टू वी मैक्स इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर जी। तो वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी, है ना, और म्यू एस प्लस टैन थीटा, चाहे टैन थीटा प्लस म्यू एस लिखिए एक ही बात है, वन माइनस म्यू एस और टैन थीटा, और इसको क्या कर देंगे रूट कर देंगे। ओके, तो देखो भाई ऑप्शन में कौन मिल रहा है आपको ना, ऑप्शन में आपको मिल रहा है डी। आप डी को गौर से देखिए, रूट अंडर जी आर बिल्कुल, और म्यू एस प्लस टेन थीटा बटे वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, तो डी इसकी ऑप्शन है ना। और ये हम लोगों को काफ़ी टाइम ले लिया, पर आसान है। अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे तो उसमें इस तरह के कंपोनेंट तोड़ना आप सीखे होंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है आपको, ठीक है, इसको मिटाते बच्चों। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी 52 का ऑप्शन डी है। ओके, आंसर हो गया, यही आंसर है। अब हम बात करने जा रहे हैं, इसको मिटाते, अब क्वेश्चन नंबर 52 का। 52 क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बशर्ते आप इसको समझते हैं। तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि नीट का जो क्वेश्चन है उसको समझना बड़ा जरूरी है, रीड करो। जो क्वेश्चन बैंक है ना उसको काफ़ी अच्छे ढंग से रीड करिए और समझिए ये बात को, कि भाई कोई क्वेश्चन को हम लोग जब सोल्व करते हैं तो कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, कितना बड़ा कंसेप्ट लगता है, बहुत छोटा कंसेप्ट को लगाई जाती है। नीट क्वालिफाई करना है तो टोटल आप पढ़िए और क्वेश्चन बैंक को कम से कम 4 times सोल्व करिए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कैसा डिजाइनिंग है क्वेश्चन का। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, कठिन नहीं होता है। इसे मैं बात करता हूँ 53 नंबर क्वेश्चन का, कह रहा है कि टू हॉरिजेंटल स्टोन्स, याद रखें स्टोन्स कैसा है, हॉरिजेंटल है। टू स्टोन्स ऑफ द मास एम एंड 2m आर वाइल्ड इन अ हॉरिजेंटल सर्कल, द हेवियर वन इज इन अ रेडियस r बाई 2 एंड द लाइटर वन इन रेडियस स्मॉल r। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द हेवियर स्टोन्स व्हेन दे आर एक्सपीरियंसेस सेम सेंट्रिपिटल फोर्सेस। पहली बात कि mg शामिल नहीं होगा इसमें, क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि भैया देखो हॉरिजेंटल सर्कल में समझो, हॉरिजेंटल में ऐसे नहीं चलता है, ऐसे चलेगा तो टेंशन कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, ओमेगा कहाँ लगेगा, मतलब कि एम ओमेगा स्क्वायर कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, एम जी कहाँ लगेगा, नीचे। तो इन दोनों फोर्स पे परपेंडिकुलर होगा, तो उसके लाइन में आ ही नहीं रहा है एम जी, इस बात को ध्यान से समझ लेना। अब क्या है कि 53 में कि एक सर्कल बना देते हैं, दो सर्कल बना देते हैं इस तरह से, ऐसे बना देते हैं दो सर्कल, एक थोड़ा सा बड़ा है और एक छोटा है। तो एक का रेडियस है बच्चों आर, एक का रेडियस ये हो गया छोटा वाला आर बाई टू हो गया, और दूसरा हो गया आर, ठीक है। तो इसका जो मास है एम एंड एन, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, टू स्टोन्स ऑफ मास स्मॉल एंड एन टू एम आर वाइल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, द हेवियर वन ऑफ द रेडियस आर बाई टू, मान यहाँ पर जो है ना वो हेवियर है, मतलब ये 2m है, और पहली बात की ये m है, और कोई डाउट नहीं है। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर इज n टाइम्स, मतलब इसकी जो स्पीड है इसकी वो क्या है, इसको स्पीड को v1 मान लेते हैं, तो e जो है n टाइम्स v है, n टाइम्स v, मतलब यहाँ पर v2 कर दीजिए और e है आपका v2, अब सही है, स्पीड n टाइम्स स्पीड हो गया। ओके, लाइटेस्ट स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द हेवियर स्टोन व्हेन दे आर एक्सपीरियंसेस द सेम सेंट्रिपिटल फोर्स।
जो सेंट्रिपिटल फोर्स है यहाँ पर, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा ना बच्चों, एफ सी अभी बताए थे ना, जो सेंटर के तरफ लगेगा, तो एम यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बटे आर हो जाएगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, टेंशन। तो टेंशन पहला क्या लिख रहे हैं, ये फर्स्ट माना गया है, और ये क्या माना गया है बच्चों, सेकेंड माना गया है, ये सेकेंड है। तो फर्स्ट और सेकेंड का टेंशन बराबर होगा, तो टी वन इज इक्वल टू एम इन टू वी वन का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या है, आर है। यहाँ पर क्या हो गया, टी टू आर मतलब आर इसे है, और इसका मास एम है। यहाँ पर है टी टू इज इक्वल टू एम मतलब कि टू एम इन टू वी टू का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा, आर बटे टू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर एम और वी टू का स्क्वायर टी टू। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो टेंशन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का बच्चों जो टेंशन है, दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रही है, जैसे यहाँ पर टेंशन लग रही है टी वन, और यहाँ पर जो टेंशन लग रही है उसका नाम टी टू है, ओके। तो दोनों में जो टेंशन है वो बराबर है, टी वन इज इक्वल टू टी टू है। तो टी वन और टी टू, तो देखो भाई, टी वन इज इक्वल टू है एम वी वन का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर है, यहाँ पर क्या है, फोर एम, यहाँ पर आर छूट रहा है ना, आर यहाँ पर हो गया फोर एम वी टू का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना है, आर है। तो आर से आर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो वी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, और क्या हो जाएगा, वी टू का स्क्वायर। तो वी वन का स्क्वायर मतलब कि वी वन का स्क्वायर का मतलब हुआ कि एन का स्क्वायर और वी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इन टू वी टू का स्क्वायर, वी टू का स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है बच्चों। तो वी टू का स्क्वायर, वी टू का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर हो गया, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया, टू हो गया, और यही आंसर होगा। ये समझ में आया आपको। तो ऑप्शन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सी में ऑप्शन दिया हुआ है, सी में ऑप्शन दिया हुआ है टू। काफ़ी अच्छा सवाल था, हॉरिजॉन्टल सर्कल थी, पहला का रेडियस था आर बाई टू, अब तक मास डबल था, ए टू एम था, और दूसरा का था रेडियस आर और उसमें मास एम था। पहला का जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, वी वन बराबर एन वी टू था। हॉरिजॉन्टल में बच्चे एम जी भी जोड़ देते हैं, भाई हॉरिजॉन्टल में एम जी काउंट नहीं होगा, टेंशन और एम वी स्क्वायर, क्लियर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटाते इसको। अब है क्या 54, तो 54 काफ़ी आसान है, सब बच्चों वाला सवाल है। 54 आप रीड करिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, पुराना क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। एंगल ऑफ बैंकिंग हम लोग जिसको थ्योरी में पढ़ते हैं अक्सर, कि एंगल ऑफ बैंकिंग आपको बताना है, क्या होता है एंगल ऑफ बैंकिंग, तो हर केस में यही आएगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैं 54 का अगर हम बात करें, 54 का, तो थोड़ा सा अगर थ्योरी का हम कॉन्सेप्ट अगर दें, थोड़ा सा थ्योरी कॉन्सेप्ट, ये हो गया इनक्लाइन प्लेन, और ये हो गया आपका थीटा, यहाँ पर एम मास है, बिल्कुल, ये हो गया एन, और ये हो गया आपको एम जी, और इधर हो गया बच्चों क्या, एन साइन थीटा सेंटर की तरफ, और ऊपर में हो गया आपको क्या, ये भी थीटा हो जाएगा, ये एन है, और ये क्या है बच्चों, थीटा, यानी ये भी हो जाएगा क्या, एन कॉस, एन कॉस थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा कि एन साइन थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है, तो एन साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर, और एन एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा और माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। अभी दोनों इक्वेशन को आप लेके चलेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, ये हो गया सेकेंड हो गया, ये हो गया आपको फर्स्ट हो गया, और दोनों को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बटे सेकेंड होगा, तो एन होगा और साइन थीटा होगा डिवाइडेड बटे एन कॉस थीटा होगा इज इक्वल टू एम जी मैंने एम वी स्क्वायर बटे आर, एम वी स्क्वायर बटे आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, एम से एम कटेगा, एन से एन कटेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू
ये हो गया। इसी तरह से हम लोग लिखते हैं इक्वेशन। अगर कोई कार है, मतलब कि उसमें भी सिंपल पेंडुलम अगर ऐसे रखा हुआ है, सिंपल पेंडुलम नहीं, कार के ड्राइवर के पास में ऐसे कोई बॉल को हैंग कर देते हैं और गाड़ी को टर्न लेते हैं ना, तो ऐसे हो जाता है, तो उसमें भी एमजी नीचे लगेगा, है ना, टेंशन इस तरह से लगेगा। अगर कार के केस में बात अगर हम करें तो इस तरह से हो जाता है कि सिंपल पेंडुलम पहले ऐसे रहता है और बाद में वैसे हो जाता है, तो उसमें भी टेंशन अगर लीजिएगा इधर टी हो जाएगा, ये एमजी हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, एमजी कॉस थीटा हो जाएगा और इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो ई जो होगा आपको, ये जो होगा आपको टी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, इस तरह की बात आ जाएगी। और इधर आ जाएगा आपको क्या, टी साइन थीटा की बात आ जाएगी। इस तरह से आपको होगा सेंटर की तरफ, यानी यहाँ भी हो जाएगा टी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर, अगर इसकी रेडियस आर मानते हैं तो, और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी आ जाएगा। इस तरह की थ्योरी आपने पढ़ रखा होगा, है ना भाई। मतलब कि दोनों में क्या आ रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वी स्क्वायर बटे आर आ रहा है, वी स्क्वायर बटे सॉरी आर जी आ रहा है। और मानिए कोई कहे कि नहीं भाई ओमेगा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर इंटू जी, तो आर से आर कट जाएगा तो आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बटे जी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी पर बेस्ट जो है 54 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो डायरेक्ट अगर हम फार्मूला का इस्तेमाल कर देते हैं तो आपको बातें कम समझ में आती, इसीलिए मैं क्या किया इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में मैं बता दिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से पहले बहुत क्वेश्चन पूछा था, अभी भी पूछता है, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव किया है। तो मैं इसी पर बेस्ट क्वेश्चन लगातार आपको बता रहा हूँ। देखिए 54 में क्या है कि अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ द रेडियस 10 मीटर विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाई अ लाइट वायर लेंथ एल 1 मीटर, द एंगल मेड बाई द वायर विथ द वर्टिकल। तो एल बराबर यहाँ पर दिया है बच्चों 1 मीटर, ठीक है। एम इज इक्वल टू दे दिया हुआ है आपको, एम नहीं दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, रेडियस सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, तो ये हो गया 10 मीटर। और वी इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, वी इज इक्वल टू वो क्या हो गया 10 मीटर और पर सेकेंड दिया हुआ है, ओके। तो आपको एंगल निकालना है, तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, आर लेंगे एल नहीं लेंगे, है ना। तो आपको टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी का वैल्यू 10 है तो इंटू 10 कर दिए, और आर का वैल्यू 10 है और जी का वैल्यू भी क्या है 10 है, तो यहाँ पर क्या कर दिए 1 कर दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1, तो टेन जो थीटा होगा वो क्या हो गया 10 45 हो गया, 10 45, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 45 हो गया, 10 थीटा यानी थीटा इज इक्वल टू 45, तो ये हो गया आंसर हो गया 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ कार ऑफ मास 1000 kg निगोटिएट्स अ बैंक कर्व रेडियस 90 मीटर, द फ्रिक्शनलेस रोड, इफ़ द बैंकिंग एंगल इज 45 डिग्री, द स्पीड ऑफ द कार सेम वही है। यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों, आर इज इक्वल टू 90 मीटर दिया हुआ है, ओके, और वी इज इक्वल टू निकालना है, वी इज इक्वल टू व्हाट, और एम इज इक्वल टू मतलब कि मास दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है कितना 1000 kg, ओके, और आपको दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 45 डिग्री। फिर वही बात, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर जी, यहाँ पर क्या हो गया 10 45 इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर, आर का वैल्यू 90 और जी का वैल्यू भी 10 है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कि 10 45 का वैल्यू हो जाएगी पहली बात की 1 इंटू 900 इज इक्वल टू वी का स्क्वायर, तो वी इज इक्वल टू हो गए 900, ऐसे हो गए
तो यहाँ पर क्या होगा 3 × 10 तो यहाँ पर क्या होगा 30 मीटर पर सेकेंड और भी हो गया, ई हो गया आंसर। यहाँ पर कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 56, ये भी बन जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है 56 करके। कार ऑफ मास एम इज मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, इफ म्यू एस रिप्रेजेंट द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर ऑफ द कार, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इन अ सर्कुलर, कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल रोड है इस तरह से, और इसमें कोई कार सर्कुलर पाथ में चल रही है, तो कह रहा है कि उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए। पहली बात कि उसकी फेंकाने की टेंडेंसी बाहर होगी, तो अंदर में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स टेंडेंसी होगी, और यही जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv² / r होगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का मान ज़्यादा रहेगा तब ना वो सर्कुलर पाथ में जाएगा, बाहर का फोर्स ज़्यादा रहेगा तो फेंका जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, μs × क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू mv² / r लिखेंगे। तो यहाँ पर एक और बात लिखेंगे आप, μs, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, mg > mv² / r, m से m कट जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, v² / r ग्रेटर देन इक्वल टू μs × g, तो v² < μsr × g ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है बिल्कुल। तो एक एक वर्ड इसमें और लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, अगर एक लाइन और आप इसमें लिखना पसंद करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, v < और क्या लिखेंगे, μs, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, r × g, √r × g। अब यहाँ पर क्या होगा कि मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम इक्वल टू वाला साइन होगा, लेस देन तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमको निकालना है मैक्सिमम स्पीड, तो ये हो गया μs r × g, हॉरिजेंटल है, क्या है, हॉरिजेंटल रफ सरफेस, याद रखिएगा हॉरिजेंटल रफ सरफेस की बात हो रही है, हॉरिजेंटल रफ सरफेस। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ ग्रामोफोन रिकॉर्डेड इज रिवॉल्विंग अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फुल स्टॉप, अ क्वाइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ रिकॉर्ड, फुल स्टॉप, द स्टैटिक कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, द क्वाइन विल रिवॉल्व विथ द रिलेशन बताना रिकॉर्डर इफ, पहली बात कि इस तरह से एक कोई रिकॉर्डर है डिस्क टाइप के, और वो क्या कर रहा है, वो खुद घूम रहा है, क्या कर रहा है भाई, खुद घूम रहा है, और कितना से घूम रहा है बच्चों, ओमेगा से, ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, और इस पर आप एक कोई क्वाइन अगर रखेंगे तो आप पढ़े होंगे कि इस पर जो लगता है वो क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, m ω² r। अब कहना ये है कि साथ में चले तो साथ में चलेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, m ω² r हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों μ × n > m ω² r, क्लियर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, फिर mg लिखेंगे, और ग्रेटर देन इजिकल टू m ω² r लिख देंगे, तो m से m कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो μg > ω² r। और इसमें क्या क्या रिलेशन है, r के टर्म में है, तो r के टर्म में लेंगे तो क्या लिखेंगे, ω² r > μg, तो r < μg / क्या हो गया, ω² r। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो r जो है r < μg / ω² होगा, तो आंसर कौन होगा बच्चों, सी, इसका सी आंसर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है सर, है ना, तो हमने बनाया क्वेश्चन नंबर कितना, देखिए नंबर तो दिया ही नहीं, 57 है बच्चों, क्या ये क्वेश्चन नंबर 57, एक ग्रामोफोन है और इसे घूम रहा है, और इस पर क्वाइन रख देंगे ऐसे 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 चलेगा, तो बाहर फेंकाने की टेंडेंसी रहेगी, लेकिन वो फेंका बाहर नहीं रहा है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं, तो मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 58,
58 क्वेश्चन नंबर कहता है कि रोलर कोस्टर मतलब एक रोलर होता है कोई सर्कुलर पाथ में हेवी एक बॉडी है जो रोल करती है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें नॉर्मल फोर्स लगेगा और वो नॉर्मल जो फोर्स है ना वो हमेशा अलोंग द सेंटर होगा, पहली बार ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहां देखिएगा करके अ रोलर कोस्टर इज डिजाइन सच दैट राइडर एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस एज दे गो राउंड द टॉप ऑफ द व्हील गोज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 मीटर द स्पीड ऑफ द कार एट द टॉप ऑफ द व्हील इज 58 नंबर जो सवाल है 58 उसमें क्या कह रहा है थोड़ा समझेंगे। इस तरह से एक रोलर टाइप का है और इसमें कोई गाड़ी को ड्राइव कर रहा है ना, तो यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा फिर वो यहाँ आ जाएगा बच्चों, फिर वो यहाँ से पोदेट आता है, तो इसमें नॉर्मल कहाँ लगेगा नीचे लगेगा, एमजी भी कहाँ लगेगा नीचे लगेगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है भी है, इसकी रेडियस क्या है आर है, तो एक इक्वेशन यहाँ पर बन जाता है कि एफ जो नेट होगा बच्चों एफ नेट वो क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा, पहली बात यह है। अब यहाँ पर क्या बनेगा एन प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना होगा आर होगा, तो नाउ एट हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पर हमको क्या मिल रहा है एट हाईएस्ट पॉइंट एंड वेटलेसनेस नॉर्मल फोर्स को क्या करेंगे हम लोग जीरो करेंगे, तो यहाँ पर हो गया जीरो प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना आर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एम जी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना आर, तो एम से एम कट जाएगा तो वी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आर जी होगा, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया आर जी। अब सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना है, आर का वैल्यू यहाँ पर दिया है बच्चों 20, आर का वैल्यू 20 है और जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं सुविधा के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वी इज इक्वल टू जो आप पुट करेंगे वो क्या मिलेगा आपको 20 × 10 मतलब कि 200 मिलने जा रहा है 200, तो यहाँ पर मिलेगा 10 रूट अंडर 2 मतलब कि 10 1.414, तो यहाँ पर मिलेगा बच्चों क्या 14.14 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ रेंज दिया हुआ है रेंज, तो रेंज का मतलब है कि उसके आसपास में दो वैल्यूज तो 16 मीटर पर सेकेंड और 17 मीटर पर सेकेंड, तो 16 से 17 से दोनों से बाहर है 13 और 14, ठीक है, तो 13 से ज़्यादा है और 14 से कम है, 14 और 15 सबसे अच्छा लग रहा है, नहीं समझे 14 और 15, तो ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा बच्चों सी और 14 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड, सबसे अच्छा ए ऑप्शन में है रेंज में है, तो इसका सी ही आंसर होगा, समझ में आया। ओके क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे कि ट्यूब है उसकी लंबाई एल है इज फिल्ड कम्प्लीटली विथ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ द मास कैपिटल एम एंड क्लोज एट अदर एंड, ठीक है, द ट्यूब इज देन रोटेटेड इन अ होरिजेंटल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा द फोर्स एग्जर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड। सबसे पहली बात कि एक पाइप है, ओके और ये पाइप में भर दिया है क्या लिक्विड, क्लियर है, क्या भर दिया बच्चों लिक्विड भर दिया, और उस लिक्विड का पूरा मास कितना है एम है, इस पाइप की लंबाई कितनी है एल है और यहाँ से एक्सिस को फिट करके इसको ओमेगा से घुमा रहा है, कोडाउट, तो हम लोग इसको फोर्स कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना कि स्मॉल एलिमेंट्री मास मान लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा मास का मान लेते हैं और उस मास का वैल्यू क्या है dm, इसकी चौड़ाई कितनी है dx और यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है x डिस्टेंस पर है, तो
तो इस मास पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बच्चों, डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, यहाँ पर क्या है x है, समझ में आया, डी एम मास हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, और इस पे फोर्स जो लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है और वो फोर्स का नाम है डी एफ। तो क्या लिखेंगे बच्चों, डी एफ इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब डी एम कैसे निकालेंगे, एल लेंथ में कितना मास है, कैपिटल एम है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, कैपिटल एम डिवाइडेड बटे एल होगा। डी एफ इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एल लेंथ में एम मास है तो यूनिट में कितना होगा, एम बटे एल होगा। तो इस डी एक्स वाला टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा में कितना मास होगा, अच्छा सवाल है, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मजेदार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो भाई, एलिमेंट्री पार्ट हमने क्यों लिया, क्योंकि ये जो मास है वो यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे ही ये घूमना स्टार्ट करेगा ना तो इधर सारे मास ज़्यादा इकट्ठा होंगे, इधर भी होंगे लेकिन थोड़ा सा कम होगा, इधर अलग ज़्यादा होगा, तो वेरिएबल मास हो गया एक तरह का, इसीलिए एलिमेंट्री पार्ट लिया। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि डी एक्स में कितना मास होगा बच्चों, तो एम बटे एल इंटू डी एक्स, और इसमें जो डी एक्स है उसमें जो मास है उसका नाम है डी एम, तो डी एम इज इक्वल टू हो गया बच्चों एम बटे एल इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, अब क्या है कि डी एफ जो है, डी एफ वो क्या है, डी एम है, ओके, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम डिवाइडेड बटे एल इंटू डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया डी एफ। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे, एम बटे एल बाहर कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर बाहर करेंगे और एक्स लिखेंगे और फिर डी एक्स लिखेंगे, फिर जीरो से लेकर कैपिटल एल तक, यहाँ पर एक्स इनिशियल कितना है बच्चों, जीरो, यहाँ पर एक्स फाइनल कितना हो जाएगा, एल ना हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, तो जीरो और यहाँ पर एफ है, तो ये हो गया एफ, इंटीग्रेशन किए तो बिल्कुल जीरो से एफ तक, यहाँ पर हो गया क्या, एम बटे एल हो गया इंटू ओमेगा का स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या हो गया, टू हो गया और जीरो से क्या हो गया, एल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ माइनस जीरो हो गया, फिर एम डिवाइडेड बटे एल हो गया इंटू ओमेगा का स्क्वायर हो गया, फिर एल स्क्वायर डिवाइडेड बटे टू हो गया, तो ई एल से एक एल कट गया, तो एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बटे टू, तो एफ इज इक्वल टू जो आया है वो वन बाई टू, मतलब कि एल बाई टू एम आया है ओमेगा स्क्वायर, आंसर हो गया। नो डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको मिटाते हैं, यही हो गया आंसर, है ना भाई, यही हो गया क्या बच्चों, आंसर बन गया। ओके, तो वन बटे टू, सॉरी एल बटे टू एम ओमेगा स्क्वायर, यही आंसर होगा, और इसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन में आपको है एम स्क्वायर, सॉरी हाँ हाँ ठीक है, तो ऑप्शन में है आपको सी, है ना, सी ऑप्शन हो गया, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से पाइप में ये ऐसे रोटेट कर रहा है, और पाइप क्या है, ऐसे इसका पूरा जो मास है वो एम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास है, ये क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ मास, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, और ये क्या है आपको, मास एम है, और कितना दूर पर है, एल बाई टू पर है, पूरा लंबाई कितना है, पूरा लंबाई एल है ना, तो इस पर जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, इधर लगेगा फेंकाने की टेंडेंसी, तो एफ बराबर क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर नहीं होता है, तो कैपिटल एम हो गया, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हो गया और आर के बदले क्या हो गया, एल बाई टू हो गया आंसर। सेंटर ऑफ मास सेंटर पर लाई करता है, तो पॉइंट मास बना दिया उसको, ओके, तो दूसरा मेथड भी हो गया। ओके, मिटाते हैं बच्चों इसको। अब क्वेश्चन नंबर है 60, हम लोग 10 क्वेश्चन पर डे सोल्व करते हैं, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 60 नंबर, कह रहे हैं पहले का फेमस क्वेश्चन है सब 60 नंबर। अ 500 केजी कार टेक्स अराउंड टर्न ऑफ द रेडियस 50 मीटर विथ ए वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, सेंट्रिपिटल फोर्स निकालना है, तो कुछ इसमें है नहीं, मास से इसको कोई मतलब नहीं है, मास से कोई मतलब है नहीं है,
और रेडियस से मतलब है, रेडियस है 50 मीटर है, अभी इज इक्वल टू जो है बच्चों वो है आपको 36 किलोमीटर। तो ये कितना है 36 इंटू 5/18 है मीटर पर सेकंड कर दिए, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड भी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू एम अभी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर हो गया। एम एम का मतलब हो गया 500 इंटू भी, भी बराबर क्या हो गया 10 डिवाइडेड इंटू 10 डिवाइडेड बटे कितना आर, आर का मतलब है 50 है ना, एम भी स्क्वायर बटे आर होता है। तो ई हो गया आपको, इसको कैंसिल करेंगे, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो ई हो गया 1000 न्यूटन टुअर्ड द सेंटर। तो देखिए इसमें होगा आपको ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है जो आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो आज हम लोग 60 तक सोल्व किए हैं, और नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग सोल्व करेंगे वो 78 तक कर देंगे, है ना, 78 तक, मतलब कि लगभग 18 क्वेश्चन सोल्व कर देंगे हम लोग, है ना। तो आज का लेक्चर में बेस्ट ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।